दोस्तों, अगर आपको भी हो रहा है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, तो आप .NET के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पे किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचो और व्हाट्सअप करो 8400400400 पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के किसी भी कठिन से कठिन सवालों का जवाब सिर्फ 10 सेकंड में पा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंटर के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए केमिस्ट्री का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए गेस करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, 90% गारंटी लेकर मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन सेट किए हैं वो सभी आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत दिन से आप सभी को इंटर का वीडियो इस चैनल पे नहीं मिल रहा था, लेकिन आप सभी को अब प्रत्येक दिन सुबह में इंटर का वीडियो और शाम में मैटी का वीडियो लाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। दोस्तों, आपकी इंटरमीडिएट एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। अगर ऐसे प्रश्न आपको इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल सटीक इसका जवाब लिखिएगा कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन का अवस्था नियमित होता है। ठीक है, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था नियमित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। बहुत ही सिंपल जवाब है, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था होता है या आयन का व्यवस्था नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे। कांच जो है वह एक अक्रिस्टलीय ठोस है लेकिन कैसे है। तो इसका जवाब बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, इसका गुण द्रव के समान होता है। इसका जो गुण होता है कांच का, वह दोस्तों द्रव के समान होता है। इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है कि जो द्रव होता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, वो जैसे बहता है उसी तरीके से कांच में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद में आप लिखेंगे उसके बहने की गति मंद होती है। कांच का जो बहने का गति होती है वो मंद होती है, यानी धीरे धीरे होती है। यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अतिशीलित द्रव कहा जाता है। उसके बाद में आप लिखेंगे इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की जो खिड़की होती है या दरवाजे होती है, कांच की ऊपरी भाग पतला और नीचे का जो पेंदी का भाग होता है वो काफ़ी ही मोटा हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, उसके बाद में चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंकल दोष एवं शोटकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, फ्रेंकल दोष और शोटकी दोष में क्या है अंतर, चलिए मैं हम आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा फ्रेंकल दोष, लिखकर डैश दे दीजिएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाता है उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं या फ्रेंकल दोष कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेंकल दोष लिखे डैश दे दीजिएगा। लिखेंगे वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाता है फ्रेंकल दोष कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पे शोटकी दोष, तो आप लिखेंगे शोटकी दोष लिखकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन एक या एक से अधिक जुड़ा गायब हो जाता है उसे शोटकी दोष कहते हैं। ठीक है, यह दोष सामान्यतः आयनिक ठोस में उत्पन्न होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि जो शोटकी दोष होते हैं वो किस में उत्पन्न होते हैं, तो आप लिखेंगे आयनिक ठोस में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि राउल्ट का नियम क्या है। ठीक है, राउल्ट का नियम जो है वो कौन सा नियम है। तो ये जो आपके एग्ज़ाम के लिए उम्मीद है कि आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी ही VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो आप इसे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे याद कर ही लीजिएगा कि राउल्ट का नियम क्या है। ठीक है,
तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के आंशिक वाष्पशील और मोल अंश के बीच एक संबंध किया, ठीक है, एक संबंध दिया जिससे राउल्ट का नियम कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप, यानी जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे राउल्ट महोदय, उन्होंने कई प्रयोग करने के बाद वाष्प दाब घटक के अधिक वाष्पशील और मोल अंश के बीच एक संबंध दिया, ठीक है, जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 की अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, ठीक है, अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, किसी आदर्श या तंतु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है अनुसंख्या गुणधर्म कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 की आदर्श विलयन को परिभाषित करें। दोस्तों आदर्श विलयन क्या है, इसे कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप उसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, आदर्श विलयन को परिभाषित करें तो बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इसे कैसे परिभाषित करेंगे, तो चलिए इसका भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित कैसे करेंगे। आप इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। देखिए कितना सिंपल जवाब है दोस्तों कि वैसा सेल जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से रासायनिक जो ऊर्जा होता है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं यानी परिवर्तित कर देते हैं उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं या वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आपसे बता दें कि इसको सर्वप्रथम गैल्वेनी और वोल्टा ने खोजा था, इन्हीं के नाम पर इन्हें गैल्वेनी या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। दोस्तों क्या हुआ था कि सबसे पहले जो विद्युत रासायनिक सेल के जो खोज किए थे खोजकर्ता हैं वह थे वोल्टा और गैल्वेनी, ठीक है। यही कारण है कि आप सभी भी बहुत सारे यंत्र का नाम पढ़े होंगे कि जो यंत्र रहता है तो जो उसको खोजकर्ता है जो आविष्कारक है उसी के नाम से उस यंत्र का नाम जुड़ा होता है। तो क्या हुआ था कि विद्युत रासायनिक जो सेल है, ठीक है, इसके जो खोज किए थे गैल्वेनी और किए थे वोल्टा, यही कारण है कि उसे गैल्वेनी या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। तो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में कभी ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि गैल्वेनी तथा वोल्टीय सेल किसे कहते हैं या इसे परिभाषित करें, तो आप उसका जवाब भी सेम टू सेम ऐसा ही लिख दीजिएगा। उसके बाद में चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो आप उसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, एक अर्ध सेल यानी एक आधा सेल में 298 के ताप पर यानी 298 केल्विन ताप पर एक मोल सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक अर्ध सेल यानी एक आधा सेल में 298 के यानी 298 केल्विन पर एक मोल सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, लवण सेतु क्या है, इसके कार्यों को लिखें। दोस्तों लवण सेतु क्या है, इसके क्या कार्य है, तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे, लवण सेतु
प्रतिलोमिक यू आकार की कांच की एक नली होती है। दोस्तों यू जो इस तरीके से आकार का जो एक नली होती है वो प्रतिलोमिक आकार की होती है, जो कांच की एक नली होती है जो दोनों अर्ध सेलों से जो दोनों ओर अर्ध सेलों को जोड़ता है। क्या होता है कि जो आधा सेल होता है ना उसको दोनों ओर से जोड़ता है। इसमें अक्रिय विद्युत अपघटन जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है यहाँ पे पोटेशियम नहीं बल्कि पोटेशियम क्लोराइड होगा, उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा रहता है। इसके कार्य निम्न प्रकार हैं। दोस्तों ये तो हो गया लवण सेतु क्या है, तो आप इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे जो मैं आप सभी को बताया हूँ कि लवण सेतु प्रतिलोमिक यू आकार की कांच की एक नली होती है जो दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है। इसके अक्रिय विद्युत अपघटन जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो लवण सेतु कहते हैं। अब लवण सेतु को जो कार्य होते हैं वो पहला कार्य है लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है। लवण सेतु का सबसे मुख्य जो कार्य है वो दोनों लवण सेतु को जोड़ता है। रोमन नंबर बी में लिखेंगे या रोमन नंबर दो में लिखिएगा कि यह आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। ये जो आंतरिक सेल होता है उसको परिपथ में पूर्ण रूप से पूर्त करता है। उसके बाद में आप रोमन नंबर तीन में लिखेंगे यह दोनों अर्ध सेलों के विद्युत अपघटय के विद्युत उदासीनता को कायम रखता है, ठीक है। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। दोस्तों फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम हैं वो आप इस तरीके से लिखेंगे किसी विद्युत में अपघट द्रव्य में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे के संबंध दिया जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। अगर आपको इंटरमीडिएट एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के क्या नियम है इसका नियम लिखें, तो बिल्कुल आप सही जवाब लिखेंगे किसी विद्युत में अपघट द्रव्य में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे ने संबंध दिया था जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप इंटरमीडिएट एग्जाम से रिलेटेड मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश तथा बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मौजूद है, आप जाके वहाँ से सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। दोस्तों मैं मुख्य मार सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।